भक्त शिरोमणि माँ कर्मा देवी की जयंती अशोक नगर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। अशोक नगर साहू समाज के अध्यक्ष पहलवान साहू और नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साहू के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यूं तो पूरे समाज के द्वारा या अलग अलग समाजों के द्वारा शहर में कई शोभा यात्राएं या जयंतियां मनाई जाती हैं, मगर ये जयंती अपने आप में खास रही। एक तो सबसे बड़े जुलूस के तौर पर यह शोभा यात्रा के तौर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। करीब 3 से 4 किलोमीटर तक की ये शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें कई अभिनव प्रयोग किए गए जिसमें झांकी रही, परंपरागत वाद्य यंत्र दूसरी चीजें रही, साथ ही और भी कई संदेश देने वाले काम किए गए। इसके अलावा समाज के जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं थे इस दौरान उनको पुरस्कृत किया गया। समाज के अनुभवी और वृद्ध लोगों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही समाज में जो कुरूतियां आ रही हैं उनको दूर करने के लिए पूरे समाज को संगठित करने और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी को लेकर भी चर्चा की गई। मंगलवार को जिला मुख्यालय पर साहू समाज द्वारा भक्त शिरोमणि माँ कर्मा देवी जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर 2 दिवसीय आयोजन किए गए, जहां सोमवार को युवतियों के लिए रंगोली प्रतियोगिता रखी गई, वहीं मंगलवार को विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। मंगलवार को सुबह 10 बजे से मोहरी रोड स्थित सोनम सिटी पर मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिले से तथा कई स्थानों से आए समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान समाज के अध्यक्ष पहलवान साहू सहित अन्य वरिष्ठ जनों एवं अतिथियों ने सबसे पहले माँ कर्मा देवी का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इसके उपरांत समाज के अन्य लोगों ने माँ कर्मा देवी की पूजा भी की। इसके उपरांत दोपहर में विशाल शोभा यात्रा शुरू हुई, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जहाँ कई स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शोभा यात्रा रही आकर्षण का केंद्र। माँ कर्मा जयंती महोत्सव पहली बार इतनी भव्यता के साथ जिला मुख्यालय पर मनाया गया, जहां मशीनों और तोप द्वारा पुष्प वर्षा आकर्षण का केंद्र रही। वहीं आवाज वाली तोप ने भी सबको अपनी ओर आकर्षित किया। शोभा यात्रा में पुष्प वर्षा के अलावा आगे आगे 2 दिल दिल घोड़ी सभी का मनोरंजन करते हुए चल रही थी। वहीं 2 नृत्य करने वाले घोड़े भी सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। पैरों में बंधे घुंघरू के साथ नृत्य कर रहे घोड़े सभी का मनोरंजन कर रहे थे। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए नगर के विभिन्न मार्गों पर स्वागत द्वार बनाए गए थे। वहीं कई जगह शीतल पेय आदि से शोभा यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत हुआ। कई लोगों का हुआ सम्मान। माँ कर्मा जयंती महोत्सव के दौरान साहू समाज द्वारा अध्यक्ष पहलवान साहू के नेतृत्व में मुख्य समारोह में समाज के बुजुर्गों का सम्मान किया गया। वहीं सभी समाजों के अध्यक्षों को भी इस मौके पर सम्मानित किया गया। साथ ही समाज की प्रतिभाएं जो कि शैक्षणिक गतिविधियों में अव्वल रहीं, उन्हें भी प्रोत्साहित करते हुए सम्मानित किया गया। इसके अलावा सोमवार को हुई रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर रही युवतियों को भी पुरस्कृत कर उनका भी उत्साहवर्धन किया गया। झांकियों की विशेष सज्जा के साथ शोभा यात्रा के दौरान साहू समाज द्वारा भक्त शिरोमणि माँ कर्मा जयंती की 2 आकर्षक झांकियां सजाई गईं। पहली झांकी में माँ कर्मा देवी भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी खिलाते हुए नजर आ रही थी। वहीं दूसरी झांकी में माँ कर्मा देवी द्वारा कुंड में तेल डालते हुए दृश्य की झांकी आकर्षक रूप से सजाई गई थी। सिर पर कलश रखकर निकली महिलाएं शोभा यात्रा में आगे आगे समाज की महिलाएं एवं युवतियां पीले वस्त्र धारण कर सिर पर मंगल कलश रखकर आगे आगे चल रही थी, जिससे पूरा आयोजन भक्तिमय नजर आ रहा था। वहीं बैंड और डीजे की धुन पर समाज के नव युवक श्वेत वस्त्रों में डांडिया खेलते हुए धुनों पर थिरकते हुए चल रहे थे। इसके अलावा बग्गियों और घोड़ों पर समाज के वरिष्ठ जन सिर पर पगड़ी बांधकर शोभा यात्रा के साथ साथ चल रहे थे।